और चलिए अब न्यूज रूम से हमारे साथ पूजा और स्नेहलता जुड़ चुकी हैं, कुछ खबरें आपको दिखाएंगे। बिल्कुल देखिए, खबर यूपी के आगरा से है जहां पुलिस जाती है कब्जा हटाने के लिए, लेकिन यहां पर पुलिस पर हमला हो जाता है। कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कुछ सत्संगी घायल हैं। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट से समझिए। पुलिस और जनता के टकराव की ये तस्वीरें यूपी के आगरा से हैं। अवैध कब्जा हटाने के दौरान सत्संगी और पुलिस आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। घटना में डीसीपी और एसीपी समेत 20 पुलिसकर्मी और 6 सत्संगी घायल हो गए। दरअसल राजस्व विभाग और पुलिस की टीम दयाल बाग के चक रोड पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान राधा स्वामी सत्संगियों ने कार्रवाई का विरोध किया। तैयारी के साथ कुछ लोगों के द्वारा यहां पर पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया। पुलिस विभाग के द्वारा बहुत ही संयम और अनुशासन का नमूना देते हुए भीड़ को काबू किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इधर मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला किया है। अखिलेश ने ट्वीट पर लिखा, राधा स्वामी मत के मानने वाले संपूर्ण विश्व में अपने अध्यात्म प्रेम करुणा और सत्संग के लिए अनुकरणीय है। दयाल बाग की जमीन पर अब सत्ताधारी और पुलिस प्रशासन मिलकर भाजपाई भूमाफिया की स्वार्थ सिद्धि में लग गए हैं। इस अन्याय के विरोध में समाजवादी पार्टी राधा स्वामी सत्संग के साथ खड़ी है। अब देखिए, कानपुर में रविवार को बीजेपी की पार्षद सौम्या शुक्ला के पति का एक व्यापारी अमोलदीप सिंह से साइड मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्साए पार्षद पति ने व्यापारी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान पर बनाई। कानपुर में बीजेपी पार्षद के पति सौम्या शुक्ला की गुंडागर्दी से एक युवक की जान पर बनाई। युवक इस वक्त दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल कानपुर के रहने वाले अमोलदीप देर रात अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में सिटी क्लब के पास वार्ड 95 की बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला अपने बाउंसर के साथ जा रहे थे। आरोप है कि हॉर्न बजाकर पास मांगना अंकित और उसके बाउंसर्स को नागवार गुजरा। मेरे हस्बैंड को आके गालियां देने लग गए और मारना चालू कर दिया। उन्होंने बोला कि आप साइड क्यों नहीं दे रहे। 4-5 लोग थे और 2-3 लेडीज थी। इनको बहुत लोगों ने मारा है। सौम्या शुक्ला पार्षद है, उसके पति ने और उसके 4-6 लोगों ने उस बच्चे को बहुत मारा है। इधर पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो चोटें हैं, जिस प्रकार की चोटों की प्रकृति है और जो भी डॉक्टर्स के ओपिनियन है, उनके हिसाब से जो विधिक कार्यवाही है वो की जाएगी। फिलहाल परिजनों का आरोप है कि पुलिस किसी मंत्री के दबाव में आकर कार्रवाई करने से बच रही है। और देखिए, छत्तीसगढ़ का किला जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जी जान से जुटी हुई हैं और जनता को लुभाने के लिए चुनावी बिसात पर दांव चले जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ का चुनावी घमासान अपने पूरे चरम पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस बार राहुल बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। योजना के तहत 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, साथ ही 25,000 की पहली किस्त भी दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि बांटी जाएगी। अपने छत्तीसगढ़ दौरे से पहले राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीत रही है। We are certainly winning मध्य प्रदेश, we are certainly winning छत्तीसगढ़, okay? राजस्थान, we are very close and we think we'll be able to win. राहुल का एक महीने में दूसरी बार प्रदेश का दौरा होगा। इससे पहले 2 सितंबर को वो नवा रायपुर में हुए राज्य युवा मितान सम्मेलन में शामिल हुए थे। आयोजन में 2 लाख से अधिक युवा शामिल हुए थे। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहे आगे, इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।